एक कुटी पर नजर पड़ा है। मैं इस कुटिया में नजर दौड़ाता हूँ और आवाज लगाता हूँ, अगर इस कुटिया में कोई होगा तो मुझे अवश्य प्राण बचाएंगे। कोई है इस कुटी के अंदर? इस कुटी के अंदर कोई है? कौन? मैं एक शिकारी हूँ, मैं शिकार खेलने के लिए आया हूँ। और देखो इतना जोर से आंधी तूफान आ चुका है इस जंगल में कि मैं इस जंगल में मैं छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रहा है। क्या शिकारी है? हाँ हाँ। क्या प्राही है? आप आए शिकार खेलने के लिए जंगल में, आप मेरी झोपड़ी में क्या करने के लिए आए हैं? देखो तुम तो जानते ही कितना जोरों से उत्तराखंड से आंधी तूफान आ चुका है कि मैं इस जंगल में शिकार खेलते खेलते और तुम्हारी झोपड़ी के पास आया हूँ कि थोड़ा देर के लिए तुम अपने झोपड़ी में आराम करने के लिए दो। जैसे तो आंधी तूफान खत्म होगा तुम्हारे झोपड़ी से निकल के मैं चला जाऊंगा अपने महल की ओर। नहीं, ये तो गुरु बाबा का कुटिया है, इसमें मेरे गुरु बाबा कुटिया में नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। अगर आप जंगल में आंधी तूफान से परेशान है तो जंगल में बहुत सब से कोई बिस्तर में जाकर के छुप जाइए, अपना प्राण को बचा लीजिए। अगर इस जंगल में मुझे कहीं छिपने के लिए जगह मिलता तो तुम्हारे झोपड़ी के पास नहीं आता। आज तुम इस झोपड़ी में मुझे थोड़ा देर के लिए छिपा लो कि जैसे आंधी तूफान खत्म होगा तुम्हारे झोपड़ी से निकल कर मैं अपना महल को चला जाऊंगा। तो क्या आप मेरे कुटिया में विश्राम करना चाहते हैं? आप अपना प्राण बचाना चाहते हैं? हाँ हाँ। ठीक, अगर आप कोई वृक्ष पर जाने से इनकार है आप मेरी झोपड़ी में विश्राम कीजिए, मैं किसी वृक्ष पर में जाकर के छुप जाती हूँ। आइए, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? मैं आपके साथ, मैं गुरुवा की कुटिया है, गुरुवा की कुटिया में आपके साथ मैं क्या करने के लिए जाऊंगी? आपसे मुझे क्या मतलब है? मैं इस जंगल में आंधी तूफान के चपेट में से बच करके तुम्हारी झोपड़ी तक आया हूँ और तुम मुझे प्राण बचाना चाहती हो और मैं तुम्हें छोड़ दो इस आंधी तूफान के चपेट में, लेकिन तुम्हें भी हमारी झोपड़ी में, इसी झोपड़ी में आराम करना होगा। नहीं, मैं आपके साथ मैं झोपड़ी में विश्राम करने के लिए नहीं जाऊंगी। हो सकता है अगर इस समय मेरे गुरु बाबा आ जाएंगे हम और आपको देखेंगे तो मेरे गुरु बाबा वो अपने मन में क्या सोचेंगे? हे दासू, हे विधाता, इस दासिन को मैं देख रहा हूँ कितना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसके सामने में चांद भी छपित होता है, लेकिन जब तक इसके साथ मैं अपने झोपड़ी में नहीं, इसके झोपड़ी में आराम नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं इस जंगल छोड़ करके नहीं जाऊंगा। दासी, आज मैं इस जंगल में हमारे साथ तुम्हें आराम करना होगा, अगर तुम हमारे साथ नहीं आराम करती हो तो मैं जबरदस्ती उठा करके ले जाऊंगा झोपड़ी में। हो गे राखी है गे नाव, हाजरिया गे बेबी मां, ना देवी
कि तुम सीधी तरह कुटिया में चलते हो कि नहीं? नहीं। अगर जब नहीं चलोगे नहीं जाऊंगा, तुम्हें जबरदस्ती उठा करके ले जाऊंगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही होता है। चलो चलो यही आए चलो है राजा है, दुष्ट है आप। आप यह गुरुवार की कुटिया में मुझे बाइक जबरदस्ती पकड़ करके ले गए, मेरे साथ आप गलत कर करके भागे जा रहे हैं। ए दासी, हमारा रास्ता तुम छोड़ो और मुझे यहां से जाने दो। अगर इसमें इसमें मेरे गुरु बाबा आएंगे देखेंगे तो हम क्या मुझसे पूछेंगे, क्या मैं आपको जवाब दूंगी? दासी, मैं उतना बात को नहीं जानता हूं और तुम हमारे रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। नहीं, आप जान सकते हैं उसी शर्त पर कि आपके पास कोई पहचान है, तो आप अपना मुझे पहचान छोड़कर के जाइए। ए दासी, ताकि हो सकता मैं एक बार हिम्मत की मैं गुरुवा की कुटिया में आई हूँ, हो सकता मैं गुरुवा की कृपा से आप चले जाएंगे, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, जिसका रक्षा कौन करेगी? ए दासी, इस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने हाथ का मंदिर का तुम्हें दे रहा हूँ। हे भगवान, हम मेरे गुरु बाबा आने वाले हैं। चल रही हो प्रभु जी यद ये माँ हाल चल रू यद ये माँ हाल चल रू चल भरिए आज के पहुंच चुका हूं। आज इस महल में सबसे पहले मैं रानी को आवाज लगाता हूं और उसके बाद आज मैं अपनी रानी के साथ आज इस महल में अंचल को भर करूंगा। यही कबेरा यही या भाई हैरानी खुश रहो।
रारी। हाँ स्वामी जी। आज देखो मैं कि जंगल से शिकार खेल के वापस आया हूँ रानी, अब चलो अपने महल में चल कर के आराम करते हैं रानी। आराम तो करेंगे स्वामी जी, लेकिन उससे पहले आपके शरीर की नाप लूंगी। क्या शरीर की नाप? हाँ, क्योंकि आपसे भरोसा हट गया मुझे। हमें तो तुम्हें भरोसा हट गया है ना, तो तुम हमारा शरीर की नाप ले सकती है रानी। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ ये बताइए, जब आप जा रहे थे मालों से, उस वक्त आपकी शरीर की नाप 38 इंच थी, आज अभी देख रही हूँ मैं आपकी 28 इंच हो रही है। अरे पगली, तुम तो जानती हो, इधर आओ, इधर आओ, तुम तो जानती हो कि जंगल में मने की कुछ होता है, जंगल में नहीं खाने का कोई व्यवस्था होता है, नहीं पानी का कोई प्रबंध होता है रानी, तो ऐसे हो सकता है कि शरीर मेरा घट सकता है रानी। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मुझे शंका हो रही है आपसे, मैं आपसे बोलने के लिए नहीं चाहती हूँ। इधर आओ, क्या चीज का शंका तुम्हें हो रहा है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई रानी? पागल मैं नहीं, आप पागल हो गए, हमें छोड़ करके दूसरे जगह मुंह लड़ाने के लिए जाते हैं। अरे पगली, इधर सुनो, क्या हुआ रानी? आज देखने में इतना सुंदर हो तुम, इतना सुंदर हो कि तुम्हारे सामने चांद भी छपित होती है रानी। रानी मैं नहीं जानती हूँ, आप मुझे पटा रहे हैं, मैं आपके बहकावे में नहीं आने वाली हूँ। क्यों? अखिया नरल बजब से दिल में करार नहीं थे, अखिया नरल बजब से दिल में करार नहीं थे, हम तो होके क्या बताई, हमरा से प्यार नहीं थे, हम तो होके क्या बताई, हमरा से प्यार नहीं थे। रानी अखिया लरल बजब से दिल में करार नहीं थे, अखिया लरल बजब से दिल में करार नहीं थे। नहीं जाओगे? तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे जबरदस्ती उठा करके ले जाऊंगा। मैं भी देखती हूं कैसे आप उठा के ले जाते हैं। नहीं चलोगे? नहीं जाऊंगी। नहीं चाहोगे? नहीं जाऊंगा। हे झूठ नहीं, चल हे रानी है।